हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो का टाइटल है 10 देशों में चलेगा भारत का रुपया। इंडिया वेलकम स्मॉल कंट्रीज़ फॉर रुपी ट्रेड। इंडी प्लस न्यूज़ की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को विजिट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ भी अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। तो दोस्तों, अब वो समय चला गया है जब भारत दुनिया के दूसरे देशों की सलाह लेकर अपना देश चलाया करता था। आजकल समय इस कदर से बदला है कि भारत अपने हिसाब से फैसले ले रहा है और दुनिया के अंदर एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अपने देश को कैसे चलाना चाहिए। हाल ही में कोविड की महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने एग्जाम्पल भारत का देखा। पूरी दुनिया के देश एक अफरा तफरी के माहौल में थे कि हम अपने देश के लिए वैक्सीन कैसे लाएं। भारत ने उस समय अपने देश के लिए भी वैक्सीन बनाई और दुनिया के लिए भी बनाई। और अब भारत एग्जाम्पल सेट कर रहा है किस तरीके से डॉलर की करेंसी से ट्रेड ना करके लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना है। हाल ही में दोस्तों एक न्यूज पब्लिश हुई है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत छोटे देशों के साथ संपर्क में है और तकरीबन 10 से ज्यादा देश बताए जा रहे हैं जिनके साथ हम अपना जो ट्रेड है रूपी के साथ करने वाले हैं। ये देश कौन से हैं और क्या क्या हम ट्रेड करते हैं और कितने बड़े स्तर पर हम ये ट्रेड करने वाले हैं और इसका जो एक फोकस है बड़े देशों के ऊपर कैसे रहने वाला है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों भारत आज टॉप 10 कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करता है वो बहुत बड़ी संख्या में करता है। पहले नंबर का हमारा पार्टनर है अमेरिका, फिर दोस्तों पार्टनर है यहाँ पर चाइना, और फिर अलग अलग देश हैं, रशिया है, सिंगापुर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया भी है, कई ऐसे देश हैं टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट के अंदर। इनके साथ जो हमारा ट्रेड होता है बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का होता है। लेकिन कई ऐसे अफ्रीका की कंट्रीज हैं, कई ऐसे यूरोप की कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड जो है एक सीमित लेवल के अंदर होता है। भारत ने अब ठाना है कि बड़े देशों के साथ तो ट्रेड करने की हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय करेंसी को पॉपुलर करेंगे छोटे देशों के अंदर। यही कारण है कि 10 देशों के साथ हमारी बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी ये जो ट्रेड है एक्शन में आने वाला है। दोस्तों आपके सामने एक फिगर चल रहा है, इकोनॉमिक टाइम का एक प्रॉपर आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि दिजबोती, जिम्बाब्वे, मलावाई, इथोपिया, सुदान, मेडागास्कर, क्यूबा, केनिया, नाम्बिया और बांग्लादेश, ये 10 देश हैं दोस्तों जिनके साथ हम रूपी के अंदर ट्रेड और उनकी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इन देशों में कई ऐसे देश हैं जो हमसे फार्मास्यूटिकल की चीजें मंगाते हैं, कई ऐसे देश हैं जो हमसे ऑर्गेनिक केमिकल मंगाते हैं और कई ऐसे देश हैं जो हमसे एग्रीकल्चर की चीजें मंगाते हैं। तो वो सारा जो ट्रेड है हम डॉलर के अंदर ना करके एक रुपी के अंदर करेंगे। दोस्तों ये ट्रेड कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं होगा, लेकिन ये एक बेबी स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों आपने जितनी भी मंजिलें तय करनी है, आप कोई बड़ा कदम उठाकर मंजिल तय नहीं कर सकते हो। आप अपना पहला कदम उठाओगे, उस पहले कदम से ही आपकी जर्नी कंप्लीट होना शुरू होगी। और वो पहला कदम भारत ने उठाया है कि छोटे देशों के अंदर शुरुआत करेंगे और जो हमारा रुपी कार्ड है, वो रुपे कार्ड है, उस रुपे कार्ड को इन देशों के अंदर फेमस करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर फिर बाद में फेमस होगा। दोस्तों किसी चीज़ को शुरू करने से पहले वो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन उसका इस्तेमाल करे, इसको लेकर भी फोकस होता है और वो सरकार अब कर रही है। आपने देखा ही होगा कि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी गिरती जा रही है। हमारी करेंसी नहीं गिर रही है, दुनिया की सभी देशों की करेंसी गिर रही है। और यही कारण है कि आज के समय ऐसा समय है कि आज अगर भारत दुनिया के देशों के पास चलकर जाएगा कि आप हमारे रुपए का इस्तेमाल करो और हम आपकी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो देश भी हमारे इस कदम को सराहेंगे। और यही कारण है कि भारत के चाणक्य जो आज अपनी सरकार के अंदर बैठे हैं और हमारे ऑफिशियल हैं, वो इस बात को सीरियस ले रही हैं और अलग अलग देशों के साथ मेहनत कर रही हैं, बात कर रही हैं कि रुपी के अंदर ट्रेड शुरू किया जाए। और इन 10 देशों के अंदर दोस्तों बातचीत नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गई है और ये ट्रेड बहुत जल्द शुरू होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म, और वीडियो देखी थी कि जो रुपए वाला ट्रेड चल रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करना, ये बहुत दिन से बात चल रही थी। इवन रशिया और डिफरेंट कंट्रीज से भी बात चल रही थी, बिकॉज
हमारी करेंसी दिन पे दिन डीवैल्यूएट हो रही है, और ये हमारी नहीं सबकी हो रही है, और डॉलर दिन पे दिन स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है ऑब्वियसली, जैसा कि हमेशा होता है। और लेकिन अच्छा, लेकिन लेकिन इससे क्या होता है ना कि फिर हमें दिक्कत होती है, हम तो किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए मतलब सेम अमाउंट ऑफ कुछ चीज़ों को, सेम अमाउंट लाइक सेम क्वांटिटी ऑफ चीज़ को इम्पोर्ट के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये तो हो ना कि हमारी रुपये डीवैल्यू हो रही है, मतलब जो पहले जितना खरीदते थे तो उतना ही खरीद रहे हैं, पर वी आर गिविंग मोर मनी, तो फिर इससे तो हमारा लॉस ही है। तो इट्स बेटर दैट वी शुड लाइक डॉलर की जैसे जैसे क्या होगा ना कि एक तो हमें ना मतलब हमारी फॉरेन करेंसी भी अगर मेंटेन रहेगी जब हम रुपीज़ में ट्रेड करेंगे, डॉलर मेंटेन रहेगा, तो और दूसरी बात क्या होता है कि जब हम मतलब हमारे इंडियन लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। जब तो इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा जो रेट जो डिवेल्युएशन जो लगातार हो रहा है वो रुक जाएगा कुछ हद तक। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमारी रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ना भी तो आसान नहीं है, बट एटलीस्ट स्टेबल तो हो जाएगी कि जिससे ये गिर रही है, एक 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 मतलब एक कांस्टेंट गिरावट आ रही है वो रुक जाएगी। क्योंकि यही होता है ना कि लाइक जब अब बहुत सारी धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू अट्रैक्ट, जिसमें इन्होंने कंट्री की जितनी लिस्ट दी है मोस्टली कंट्रीज आर फ्रॉम अफ्रीका, सूडान वगैरह जितने भी, केनिया वगैरह, दे आर फ्रॉम अफ्रीका, एक बांग्लादेश को छोड़ दिया जाए और एक कौन सा था कंट्री आई डोंट नो याद नहीं आ रहा, तो मोस्टली कंट्रीज ये उधर ही की हैं मतलब अफ्रीका की हैं। तो ठीक है, एटलीस्ट हम स्टार्ट टू करें कुछ सिलेक्टेड कंट्री में, रशिया से ही बात चल रही है, कुछ सिलेक्टेड कंट्री से बात करें, कुछ कुछ कभी ना करने से एक बार देखें तो सही इसमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करने से, क्योंकि इसके बहुत तरह से फ़ायदे होंगे। इवन हम देखो चाइना, तो ये चीज़ हम अब स्टार्ट करें, चाइना ये चीज़ बहुत पहले ही स्टार्ट कर चुका है कि युआन में ट्रेड करता है चाइना, चाइनीज युआन में। तो फिर लाइक वी लाइक एक पता है हम मैं लाइक जो भी लोग चाइना को लोग कुछ भी कहें कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटर है कम्युनिस्ट, आई नो कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो दे प्रैक्टिस इज बैड, ओके, द टाइप ऑफ रूल दे डू ऑन द पीपल लाइक डिक्टेटरशिप इज बैड, ओके, आई कंडेम देम, बट द पॉलिसीज दे मेक रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, दैट इज रियली कमेंडेबल। जो हम आज करें ना चाइना 10-15 साल पहले, जो हम आज है ना चाइना 10-20 साल पहले था, ये सारे स्टेप्स ले चुका तब वो आगे यहाँ जाके पहुँचा है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम डबल डिजिट में ग्रोथ नहीं करें तो लाइक इट विल बी वेरी हार्ड टू कम्पीट विद चाइना, लाइक हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है, इसको बीट, क्योंकि जब तक हम चाइना के लेवल तक पहुँचेंगे चाइना तो हमसे बहुत आगे चला चला गया होगा। तो एवरी टाइम इट्स लाइक दैट वी आर फॉलोइंग देम, है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं पर हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो वी शुड ट्राई टू मूव अहेड। तो इसके लिए डबल डिजिट ग्रोथ की ज़रूरत है, इसके लिए तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हर ओवरऑल एस्पेक्ट पर देखना, एक सिंगल एस्पेक्ट को देख के नहीं चल सकते, लाइक ईच एंड एवरी थिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इट। देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, अभी तो हमारा लाइक इस साल और अगले साल तो हमारा नहीं है क्योंकि भाई ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, तो सब कंट्री गिरेगी तो हम भी गिर रहे हैं। फिर भी एक इंडिया लाइक इट्स वेरी गुड टू नो दैट आईएमएफ ने भी प्रिडिक्शन दिया है कि इंडिया ही ऐसी कंट्री रहेगी जिसका जो ग्रोथ रेट है वो 5% से ऊपर रहेगा 2023, नॉट अबाउट 2022, 2023 की मैं बात बता रही हूँ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हो, और अभी एज ए इंडियन हम तो हमेशा अच्छा ही विश करेंगे कि हाँ अच्छा ही इंडिया के साथ, इंडिया की ग्रोथ भाई डबल डिजिट में जल्दी ही जाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इन केस इफ यू वॉन्ट मी टू रिएक्ट ऑन सम अदर वीडियोज प्लीज पुट द लिंक इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय, टेक केयर।